स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ बिहार SSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो हाल ही में फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटेटिव PT एग्ज़ाम 2014 का जो PT का रिजल्ट दिया गया था, अब उसके लिए जो मुख्य परीक्षा का है उसके लिए फॉर्म फिलअप वगैरह का सारा डिटेल दे दिया गया है। तो कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब लास्ट डेट है, कितना फीस रखा गया है फिर से मेंस के लिए, वो सारा डिटेल है। कब होगा एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ देखिएगा आप लोग। ऑफिशियल वेबसाइट चले जाइएगा bssc.bih.nic.in पे, और यहाँ पे सूचना पट में जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा दिनांक 28 फरवरी 2020 को एक अपडेट किया गया है विज्ञापन, और यहाँ पे ही नोटिस दिया गया है, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 06060114 फर्स्ट इंटर लेवल कम्बाइंड कम्पिटेटिव PT एग्ज़ाम 2014। तो मैं इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, सारा जो भी इसमें नोटिस दिया गया है वो सब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा, तो आप इसके साथ बने रहें। चलिए अब इसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका जो PDF फाइल है उसे मैं ओपन करके आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है दोस्तों PDF, और यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी PT में जो पास हो चुके हैं, जो कि रिजल्ट दे दिया गया था, तो PT में जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए फिर से मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है। और ये कब तक है भरने की तिथि, तो 29/2020 से 18/3/2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और वेबसाइट आपका यही है bssc.bih.nic.in पे है। और अगर नीचे चले तो यहाँ पे सारा डिटेल दे दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 29/2020, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16/3/2020, उसके बाद फिर है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18/3/2020। प्रारंभिक परीक्षा हेतु यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट बेसिक डिटेल्स यथा नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, कोटि, जन्म तिथि, अस्थायी पता, दिव्यांगता की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ यानी कि आप जो फिलअप किए होंगे फॉर्म उसमें आपका ये चीज़, जो मेंस का फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इस चीज़ में आपका कोई सुधार नहीं होगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे डार्क करके लिखी गई कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकता अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है। जो भी आप प्राथमिकता भरे हैं वो अंतिम होगा और उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अंतिम तिथि के पश्चात इस संबंध में किसी अभ्यर्थी से कोई अनुरोध पत्र कागजात आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या विषय होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र एक हिंदी विषय का होगा और प्रश्न पत्र दो सामान्य ज्ञान का होगा। तो प्रश्न पत्र एक में हिंदी विषय अर्हक होगा, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जो परीक्षार्थी उसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र यानी कि प्रश्न पत्र दो इवेल्युएट होगा, यानी कि मूल्यांकित होगा। यानी आपको हर हाल में जब तक आप प्रश्न पत्र वन में क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा प्रश्न पत्र चेक नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। अब आइए उसके बाद परीक्षा शुल्क रखा गया है दोस्तों। हम बहुत सारा देखते हैं बिहार दरोगा वगैरह में शुरुआत में ही परीक्षा ले लिया जाता है, और जो PT में जो रिजल्ट होता है उसके बाद मेन्स के लिए उनसे कोई फीस नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए फिर से पैसा लिया जा रहा है। तो एक तरह से आप एक बार PT के लिए फॉर्म भरे होंगे उस समय पैसा दिए होंगे, अब उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो मेंस में अब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर पैसा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा है। क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में देखा जाता है तो शुरुआत में ही पैसा ले लिया जाता है PT और मेंस के लिए, दोनों के लिए, और एक एक करके PT के लिए अलग से पैसा, मेंस के लिए अलग से पैसा, ऐसा बहुत कम ही एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बिहार SSC के द्वारा मेंस परीक्षा जो PT क्वालिफाई कर दिए हैं अब वो मेंस भरेंगे तो उन्हें ज़रूर ये पैसा लगेगा, तो ये पैसा फिर से देना पड़ेगा मेंस के लिए।
तो सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 200 हैं, बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी वर्ग के महिला पुरुष हों उनको 750 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान 200 रुपये और राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार को 200 रुपये लगेंगे। और सारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा, यहाँ सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही दिया गया है। तो और उसके बाद और देख लेते हैं, और जैसा कि महत्वपूर्ण निर्देश है जो कि आप एग्ज़ाम हॉल में ये सब नहीं करेंगे, ये सब दिया गया है। वैसे आप इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इस PDF का डायरेक्ट लिंक से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, और डाउनलोड करके एक बार खुद से आप देख लीजिएगा। और देख लीजिए यहाँ पे अब मेंस के एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से, यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, और आप यहाँ देख लें कि इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि प्रश्न पत्र के हिंदी में क्या होगा। तो इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मिनिमम 30% अंक लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे और आपका सेकेंड पेपर चेक होगा। तो हिंदी का पेपर है तो माध्यम हिंदी होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगा। अब आइए प्रश्न पत्र 2 में जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पत्र 1 बहुत लोगों का निकल जाता है, बहुत लोग क्वालिफाइंग हो जाते हैं, मेन जो मेरिट आपका बनेगा इसी प्रश्न पत्र में बनेगा, प्रश्न पत्र 2 में। यहाँ पे आप देख ले इस प्रश्न पत्र में ये भी MCQ होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे, और इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के विषय में सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, और मानसिक क्षमता जांच होगी। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका सामान्य ज्ञान, ये तीनों यानी कि सामान्य विज्ञान, गणित और सामान्य मानसिक क्षमता जांच, ये आपको इस पर पकड़ बना लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये सब प्रॉब्लम करेगा। सामान्य अध्ययन आप पढ़ते रह जाइएगा, सामान्य विज्ञान और गणित पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और मानसिक क्षमता जांच भी अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, इसमें भी वही है, 1 सही के लिए 4 अंक और 1 गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, और इस परीक्षा की अवधि इसका भी 2 घंटा 15 मिनट होगा। और आप लोग ये नोटिफिकेशन जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आप यहां से उसका सारा जो टॉपिक है, क्या क्या इसमें पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, ये सारा कुछ इसमें दे दिया है, और आप लोग देख कर इसे पढ़ लें और समझ लें, और इसी के अनुसार अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो ये सारा डिटेल यहाँ दे दिया गया, उसके बाद फिर डिटेल दे दिया गया कि किस किस श्रेणी में, क्या विभाग में किस कितना कितना पद है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, और आप लोग देख लेंगे यहाँ पे नोटिस करके कि कितना सीट है, किस में कितना, और उसी के हिसाब से अपना भरेंगे फॉर्म फिलअप करते समय। तो आप फॉर्म फिलअप करते समय एक बार इस नोटिस को ज़रूर पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, तभी आप लोग फिलअप करेंगे, ताकि आपका जो पद है वो आप अरेंज कर सके सही मायने में अपना देकर कि आप कौन पहले रखेंगे कौन बाद में रखेंगे। तो इस हिसाब से ये नोटिस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है, और आप लास्ट डेट और प्रारंभ होने का डेट यहाँ पे देख लें, ताकि समय रहते हुए आप इसे फिलअप कर दें। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेंस परीक्षा के लिए फिर से आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जो कि अधिकतर एग्ज़ामों में ऐसा नहीं होता था दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो पेमेंट करना ही होगा उन्हें, और हर हाल में वो पेमेंट करेंगे ही, ताकि मुख्य परीक्षा में अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।